टाइम हो रहा रात के 1:15, कहीं तो पहुंच गए हम लोग। ब्रशअप हो लिए हैं, थोड़ी देर बाद फिर आराम करते हैं। नस किसके पीछे कोई लेट है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अहमदाबाद पहुंचेंगे सुबह 5:30 के आसपास। फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है। जाते ही सबसे पहले कोई टीसी पकड़ना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा भाई टिकट तो है लेकिन कन्फर्म नहीं है, मदद कर दो। होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो वाट लग जाएगी और सॉलिड वाट। भाई ये है आज की अपनी सवारी। हाँ पटेल क्या बोले यार, यही था अवेलेबल।
व्लॉगर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फाइनली हम लोग कोचिन पहुंच गए हैं। कल के दिन कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, एडिटिंग तो छोड़ो यार, कल तो मेरा बहुत बुरा हाल था। अभी कोचिन में जिस होटल में अपना रिजर्वेशन है फिलहाल वहां जा रहे हैं। अपने दूसरा वाला फोन बंद हो गया, इसके लिए आईफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसमें भी बैटरी कुछ खास नहीं है, तो होटल पहुंचते हैं, चेक इन करते हैं, फ्रेशअप होते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं और फिर मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या घटा है। ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद टिल कोचिन, ये जर्नी मुझे याद रहेगी 100%। जिस होटल में अपना रिजर्वेशन किया है वो होटल काफी नजदीक है रेलवे स्टेशन से, तो 10-15 मिनट में अपन पहुंच जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी भैया 2012-13 के बाद अब आए हैं अपन कोचिन। हालत खराब हुई पड़ी ना मेरी, ना तो मैंने नींद करी है ढंग से, खाना पीना तो छोड़ ही दो। सब बताऊंगा, फुर्सत से बताऊंगा, तसल्ली से बताऊंगा। पहले होटल पहुंचते हैं, फ्रेशअप होते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। वो होटल है जहाँ पे फिलहाल हम रुकेंगे एक दो दिन के लिए फॉर द मैरिज पर्पस। मैरिज यहाँ नहीं होगा लेकिन रिजर्वेशन फिलहाल यहीं का मिला है। चलो रोड क्रॉस करते हैं। ऊपर के बज रहे हैं 3 और अपन अपने रूम में आ चुके हैं। राधा कृष्ण सर थैंक यू सो मच मेरे अकेले के लिए इतना प्यारा सा रूम बुक करने के लिए। मैं यहाँ पे अच्छे से अपनी कमर सीधी कर लूंगा, ये देखो डबल बेड है, मैं अच्छे से कमर सीधी करूंगा, दोनों बेड पे कर लूंगा। बाकी यार खड़ा भी रह रहा हूँ ना, ऐसा हो रहा है। ओके रूम पे आ गए हैं, कॉफी का ऑर्डर किया है, फटाफट मिसेस को और राधाकृष्ण सर को इन्फॉर्म कर देते हैं दैट हम आ चुके हैं। फोन लगाते हैं चार्जिंग पे क्योंकि दोनों फोन की बैटरियां हो चुकी है डाउन, और कॉफी ऑर्डर कर दी है, कॉफी आएगी, कॉफी पियेंगे। कैसे सर घूम रहा है, चलो रूम दिखाता हूँ। अच्छा प्यारा सा रूम है यार, सबसे पहले तो ये देख लो, ठीक है ना, नीट एंड क्लीन। वॉशरूम इसको भी अभी हम थोड़ी देर में गंदा कर देंगे, और बाकी ये अपना कपबोर्ड, चुटकू सा है लेकिन कौन सा घर लेकर जाना है, पर अच्छा आइडिया यार, कॉन्सेप्ट इज नाइस, अपना अपने घर के लिए सोच सकते हैं सर, ठीक है। देखो ये सब यहाँ पे था, फिर भी मैंने कॉफी ऑर्डर करी है क्योंकि मेरे को सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। ये फ्रिज, ये अपना ट्रैवल बैग जो अपन लेकर आए हैं, और ये बढ़िया सा रूम है, और ये अफोर्डेबल भी है नो डाउट। लेकिन यार एक बात बताऊं, व्यू कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक है पर कुछ खास नहीं है। टाइम हमारा शाम के 4:30, फोन चालू हुआ नहीं कि बिजनेस चालू हो गया है, कोई बात नहीं, बताओ अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, बजने दो। ये वीडियो एडिट नहीं करी, अपलोड नहीं करी है, एंड मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न बताया क्या, मैं सर बहुत दर्द कर रहा है, खास करके पीछे वाला एरिया जो होता है ना सर का, ये बहुत दर्द कर रहा है। कल का दिन बताऊंगा मैं फुर्सत से मेरे साथ क्या हुआ, बट मैं प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पाया, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं ऐसे खड़ा हूँ ना तो भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं घूम ही रहा है। लैग होता है ना, वैसे मुझे ट्रेन लैग हुआ पड़ा है, मैं ऐसे हिल रहा हूँ, जबकि एक्चुअली मैं पलंग पे लेटा हुआ, पलंग नहीं हिल रहा है, कमरा नहीं हिल रहा है, लेकिन मुझे फिर भी वो सिम्टम हो रहा है कि मैं सर हिल रहा हूँ। वीडियो एडिट करना है, अपलोड करना है, वो सब तो अपनी जगह, आई नीड टू रेस्ट प्रॉपरली। आज रात को अच्छे से रेस्ट करूंगा, आई टेक वार्म वाटर बाथ, एंड आई थिंक सो कोचिन का जो वेदर है ये अपने गुजरात से काफ़ी अलग है एज ऑफ नाउ। गर्म है थोड़ा,
एंड एसी चल रहा है और अच्छा चल रहा है एसी, मतलब मैंने फैन बंद कर दिया, इतनी अच्छी कूलिंग कर रहा है। बट जब मैं उतरा कोचिन में, यस द वेदर वॉज क्वाइट वार्म। ओके, राधा कृष्ण सर जो है डैड के कलीग हैं, काफ़ी पुराने उनके मित्र हैं, उन्हीं की बेटी की शादी है जिनके लिए हम कोचिन आए हैं, उनसे मेरी बात हो गई, मेरे रूम का रिजर्वेशन भी उन्होंने ही करवाया। थैंक यू आरके सर, थैंक यू सो मच, मच अप्रिशिएटेड। वो भी आने वाले हैं, बोला ना, बोला मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा बेटा, मैं मिलने आऊंगा, तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेना। क्या रेस्ट करूँ यार, फोन पे फोन बज रहा है, अभी इस फोन पे भी फोन आया, और आज अपन आईफोन में शूटिंग कर रहे हैं क्योंकि अपने वाले फोन में बैटरी नहीं थी। सो आज के दिन में जो भी वीडियो बनाएंगे वो सारे उसमें बाद में शेयर कर देंगे, और फिर कल से उसमें ब्लॉगिंग चालू करेंगे। शाम को बड़ा प्यारा व्यू दे रहा है यार, देखो मानसूनिक वेदर होने की वजह से कल भी न्यूज में पढ़ा था कि साउथ में बारिश का थोड़ा दबदबा चल रहा है। अब मुझे बैंगलोर जाना है दो तीन दिन बाद, भाई बारिश चेन्नई में भी हुई है, केरला में भी सीन कुछ ऐसा ही है। लेट्स जस्ट होप मैं शांतिपूर्वक तरीके से बैंगलोर पहुंच पाऊँ, और उसके बद देखेंगे आगे क्या होता है। ये प्यारी है मैंने इन ब्लैक इंटरनेशनल, अपन वही देख रहे हैं और फिलहाल टाइम पास कर रहे हैं। टाइम ऑलमोस्ट 8, पिल्लई सर आ गए हैं नीचे, हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। बस कैजुअल ड्रेस किया यार, कुछ ज्यादा ना फैंसी नहीं। टाइम हो रहा है रात के 9:45, खाना वाना निपटा लिया और वापस रूम पे आया। गुड फूड यार, नो डाउट, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अभी तक ना तो वीडियो एडिट करी है ना अपलोड करी है, और कल का एजेंडा कुछ इस प्रकार रहेगा। कल शाम को एक फैमिली टाइप का गेट टुगेदर रखा है इसी होटल में ऊपर, सो अपने को कल शाम से पहले कुछ खास हेडेक वाला काम काज नहीं है, मैं देखता हूँ। सुबह अगर टाइम से उठूंगा तो बाहर एक चक्कर मार के आ जाएंगे, आसपास चेक कर लेंगे भैया क्या सीन बैठता है। एक आधा सलून मिलेगा तो फिर से शेव करवा लेंगे कल के दिन फर्स्ट हाफ में, यस अपने को आराम करने को मिल जाएगा। और उसके बाद में हाँ शाम को थोड़ा चहल पहल होगी, लोग रहेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी रात को भैया इस टीवी पे बिग बॉस तो देखने को नहीं मिलेगा, सो आई थिंक होटल के वाईफाई से अपना फ़ोन कनेक्ट कर लेंगे, और जी सिनेमा पर पिछले दो तीन दिन के जो एपिसोड्स हैं वो सब देखेंगे।